Hello guys and welcome back to another video from my YouTube channel that is Vipin Sharma Biology Tutorials. और आज हम बात करने वाले हैं about different properties of genetic materials. So we already discussed about genetic material that is DNA and RNA in biomolecules. हमने जब nucleic acid पढ़े थे तो हमने DNA और RNA के बारे में पूरे discussion की थी. As well as हमने जब first lecture बनाया था about molecular basis of inheritance तो उसमें भी हमने DNA और RNA के बारे में काफी सारे discussion की थी. लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको पढ़ के हमें समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बोलने पे मजबूर करती है. यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वो फॉलो करे, राइट. सो कुछ खास ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल बुलाती है. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पे गौर करते हैं, राइट. जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सिंपली मीन्स the material that forms our genome. Genome is the total number of genetic material present in our body, right. So genetic material हमारी body में जो information store हुई है उसे genetic material बोलते हैं, that is in the form of DNA and RNA. So सबसे ज़्यादा जो genetic material है in most of the organisms, that is DNA. We know that very well. हमें भी DNA ही है as a genetic material. लेकिन कुछ viruses में RNA also act as a genetic material, right? कौन कौन से वो organisms हैं? For example, viruses की बात कर रहे हैं, so TMV, we know very well about TMV, that is tobacco mosaic virus. और bacteriophages like QB bacteriophage, you know very well about bacteriophages, right? Bacteriophage ऐसे virus होते हैं जो bacteria पे attack करते हैं. Bacteriophages are those viruses which infect bacteria. These are such kind of viruses with this kind of shape. These are bacteriophages having genetic material RNA. Okay, so tobacco mosaic virus and QB bacteriophage are some viruses which are having RNA as genetic material. So most of the organisms mein DNA hoga genetic material, lekin kuch viruses mein RNA hoga genetic material. अब आरएनए कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स में ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, ज्यादातर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? डीएनए में ऐसी क्या बात है कि वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है? एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑफ ए जेनेटिक मटीरियल वो चार है. सबसे पहली प्रॉपर्टी रेप्लिका. रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, राइट. तो जब एक पर्टिकुलर चीज अपनी रेप्लिका बना सके, यानी कि जब एक पर्टिकुलर मटेरियल अपनी कॉपी कर सके खुद ही, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल. सो वी नो वेरी वेल अबाउट रेप्लिकेशन. हम सबने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, सो रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज अनदर डीएनए स्ट्रैंड, राइट. इफ यू विल टॉक अबाउट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक और बना लेता है. इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मतलब खुद की कॉपी बनाना. और जो भी मटेरियल खुद की कॉपी बना सके उन्हें हम जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरीज में डाल सकते हैं. इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो फुलफिल करेगा वही जेनेटिक मटेरियल हुआ. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टू क्रिएट रेप्लिका. द थिंग्स दैट आर एबल टू क्रिएट देयर रेप्लिका आर नोन एज जेनेटिक मटीरियल. डीएनए भी अपनी रेप्लिका बना सकता है और आरएनए भी. क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सीक्वेंस, राइट, ए T, G, C, A, ओके. दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि आरएनए में T नहीं होता, यहां पे U होता. ओके, सो यहां पे हमने T की बात की है. दिस इज अ जेनेटिक सीक्वेंस. ओके, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या होगी, अगर जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड बनेगा उसकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी या फिर उसका सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा. ओके, ऐसा ही कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस बन सकता है इन केस ऑफ आरएनए. एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, दोनों की दोनों जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए और आरएनए अपनी रेप्लिका बना सकते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? अगर हमें एक स्ट्रैंड पता है तो दूसरा स्ट्रैंड वो अपने से कॉम्प्लीमेंटरी सिंथेसाइज कर लेंगे. बोथ ऑफ दीज जेनेटिक मटीरियल फॉलो कॉम्प्लीमेंटेरिटी और द कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देयर रेप्लिकेशन. तो इस तरीके से वो अपनी कॉपी कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी टू जनरेट इट्स रेप्लिका. द सेकंड प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी. और स्टेबिलिटी काफी तरीके से देखी जा सकती है, राइट. तो डीएनए काफी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए.
हमने पढ़ा था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और हर्षी और चेज एक्सपेरिमेंट के पहले हम पढ़ चुके हैं, इनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था अबाउट एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। तो हमने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया था, ओके? इनको हीट किल करने के बाद भी जब हीट किल एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन का मिक्सचर बनाया गया तो सम ऑफ द एस स्ट्रेन मॉलिक्यूल्स आर डिटेक्टेड, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि नाम ही था ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, सम ऑफ द आर स्ट्रेन बैक्टीरियम गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरियम। कहने का ही मतलब है कि डीएनए यानी कि जो जेनेटिक मटीरियल था वो हीट किल करने के बाद भी इंटैक्ट था, वो ऑर्गेनिज्म तो मर गया यानी कि वो ऑर्गेनिज्म तो इनएक्टिवेट हो गया टोटली, दैट इज वो अब न्यूमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका जेनेटिक मटीरियल इंटैक्ट था। ये हमें उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से पता लगा। कहने का ये मतलब है कि डीएनए स्टेबल है काफी, हीट किल करने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टीज लूज नहीं हुई। दूसरा जो एविडेंस है दैट इज रीनेचरिंग। हमें पता है दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, राइट? दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हमें पता है कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच, दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल गेट ब्रेक्ड एंड द टू स्ट्रैंड्स विल गेट सेपरेटेड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे और दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए। लेकिन जब हम टेम्परेचर दोबारा कम करेंगे तो दे विल रीनेचर, दोबारा कॉइल हो जाएंगे और वैसे के वैसे कॉइल हो जाएंगे जैसे पहले थे, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? ए कभी भी जी के साथ बाइंड नहीं करेगा, ए टी के साथ ही बाइंड करेगा। तो यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंसेस थे वो डिग्नेचर हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कूल करने के बाद दोबारा रीनेचर होके वही कन्फर्मेशन बना लेंगे जो पहले थी। तो ये भी स्टेबिलिटी का ही एक फैक्टर है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो डीनेचर हो जाएंगे जो कि हर मॉलिक्यूल हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कम करने पर रीनेचर भी हो जाएंगे वैसे के वैसे। सो दिस कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए, राइट? और हमने बात की थी रेप्लिका की, तो रेप्लिका में काफी सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो बचे हुए हैं जिनको हम सोचते थे कि ये जेनेटिक मटीरियल है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स। सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो डीएनए और प्रोटीन्स में ही हुई थी। काफी साइंटिस्ट ने कहा डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल, बचे हुए साइंटिस्ट ने कहा प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटीरियल, लेकिन प्रोटीन अपनी रेप्लिका बना ही नहीं पाया, सो इसलिए वो जेनेटिक मटीरियल नहीं था, ओके? सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। सो हीट किल करने पर भी जेनेटिक मटीरियल वॉज क्वाइट इंटैक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी थी, तो इट कंफर्म्स द स्टेबिलिटी। उसके बाद डीनेचर रीनेचर, ओके? दिस इज अनदर फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी। उसके बाद हम बात करें तो 2 प्राइम OH, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द 2 प्राइम OH ग्रुप इन चैप्टर बायोमोलिक्यूल। ये एक शुगर है दैट इज राइबोस शुगर दैट इज प्रेजेंटिंग RNA, दिस इज द 2 प्राइम पोजीशन। इस पेंटोस शुगर की 2 प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप है दैट इज प्रेजेंटिंग RNA, लेकिन DNA में ये एब्सेंट है, दैट इज डीऑक्सी। D means elimination and oxy simply means oxygen. So this is now deoxyribose and deoxyribose does not have oxygen. Oxygen की वजह से reactivity आती है. Deoxyribose में oxygen हट गया, यानी कि reactivity हो गई कम, stability हो गई ज़्यादा. और ये sugar present है DNA में. तो DNA less reactive, more stable. RNA more reactive, less stable. That's why DNA is more stable than RNA. उसके बाद जो चौथा फैक्टर है वो है थायमीन। वी नो वेरी वेल कि डीएनए में थायमीन होता है एंड वी ऑल्सो नो वेरी वेल कि आरएनए में थायमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है, लेकिन थायमीन डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू यूरेसिल। आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ और किसी बुक में नहीं दिया हुआ एटलीस्ट, तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। काफी सारे रिपेयर्स मैकेनिज्म होते हैं, जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने के काफी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेस एक्सीजन रिपेयर, एक्सीजन मतलब कि निकालना, तो किसी पर्टिकुलर बेस को अपन निकाल के रिपेयर कर सकते हो, दैट इज बेस एक्सीजन रिपेयर। उसकी जगह पे फिर दूसरा आप मतलब कि बेस पेयर सेट कर सकते हो, उस हिसाब से आपका जेनेटिक मटीरियल आप कोड कर सकते हो। सो बेस ऑक्सीजन रिपेयर हो चुका, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर हो सकता है,
सोर्स रिस्पॉन्स दैट इज SOS रिस्पॉन्स। इस तरीके से काफी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं टू रिपेयर आवर जेनेटिक मटेरियल, और रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि काफी बार रेप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाती है, तो उसके लिए हमें प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है कि कहीं कोई बेस पेयर गलत तो अटैच नहीं हो गया, फिर उसकी रिपेयर करनी पड़ती है, या फिर कई बार डीएनए अलग अलग वजह के कारण भी डैमेज हो सकता है, उसको रिपेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अगर डीएनए ही खराब हो गया, अगर डीएनए ही डैमेज हो गया, तो हमारी इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, गलत इंफॉर्मेशन बॉडी में जाती रहेगी। सो डीएनए रिपेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरीके से डीएनए इज मोर स्टेबल। नाउ द थर्ड थिंग इज म्यूटेशन। द डीएनए और द जेनेटिक मटीरियल मस्ट बी एबल टू म्यूटेट। अब डीएनए और आरएनए में देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। डीएनए इज मोर स्टेबल, और जो स्टेबल चीज होती है वो बहुत स्लो म्यूटेट करती है। आपने देखा होगा जब हमने पढ़ा था नियंडरथल मैन, हमने पढ़ा था क्रोमैग्नॉन मैन, और अभी हम होमो सैपियंस हैं, काफी साल हमने उसी पर्टिकुलर स्टेट में गुजारे हैं। अभी पिछले काफी सालों से हम ह्यूमंस ही हैं, आगे आने वाले काफी साल भी हम ह्यूमंस ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बात करें एक वायरस की जिसमें आरएनए है जेनेटिक मटीरियल, तो उसका लाइफ स्पैन काफी छोटा होता है, और आरएनए इज क्वाइट रिएक्टिव, राइट? वी हैव टॉक्ड जस्ट राइट नाउ कि आरएनए रिएक्टिव ज्यादा होगा, स्टेबल कम होगा। रिएक्टिव चीजें बहुत जल्दी म्यूटेट करती हैं, उनमें बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। आरएनए को अगर आप एक दिन में भी देखेंगे तो भी उसमें काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे अगले दिन तक। लेकिन हमारा जो मटीरियल है जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए, वो काफी स्लोली म्यूटेट करने की टेंडेंसी रखता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। म्यूटेट दोनों करेंगे, लेकिन आरएनए विल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, डीएनए विल म्यूटेट एट अ स्लोअर रेट। ओके, सो म्यूटेशन भी दोनों दिखा सकते हैं। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, दे मस्ट बी और जेनेटिक मटीरियल मस्ट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। कोई भी जेनेटिक मटीरियल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट जेनेटिक मटीरियल, फॉर दैट मॉलिक्यूल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। वी नो वेरी वेल अबाउट द मेंडेलियन कैरेक्टर्स, वी हैव स्टडीड मेंडेलियन जेनेटिक्स अ लिटिल बिट, राइट? सो मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करना, इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर जेनेटिक मटीरियल की। अब इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करते हैं, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं अभी फिलहाल। वी नो वेरी वेल अबाउट सेंट्रल डॉगमा। अगर आपको सेंट्रल डॉगमा नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक, आपने सुना होगा, क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेंट्रल डॉगमा बताया था दैट डीएनए विल फॉर्म डीएनए विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए बनाएगा आरएनए विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए बनाएगा प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन। सो डीएनए विल फॉर्म इट्स रेप्लिका विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। आफ्टर रेप्लिकेशन द डीएनए विल फॉर्म आरएनए, और वी कैन से मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड द आरएनए कैन फॉर्म प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। सो डीएनए काफी ज्यादा स्टेबल होता है और आरएनए काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। आरएनए की रिएक्टिविटी हम ऐसे ही बता सकते हैं कि इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, या फिर अगर हम बात करें तो एक एंजाइम के तौर पर भी काम कर सकता है नोन एज राइबोसाइम, और इन सब अदर एंजाइम्स आरएनए एक्ट एज अ कैटलिस्ट और एंजाइम। काफी सारे एंजाइम्स हैं जिनमें आरएनए होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट सम एंजाइम्स आर ऑल्सो आरएनए। सो आरएनए इज यू नो क्वाइट रिएक्टिव। ये मैसेंजर के तौर पे भी काम करता है। वी नो वेरी वेल अबाउट एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए। आरएनए ऑल्सो एक्ट एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, जब आप ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, तो वहां पे एक अडेप्टर मॉलिक्यूल आएगा, टीआरएनए और हम एमआरएनए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तब। तो मैसेंजर की तरह काम कर सकता है। इट ऑल्सो वर्क्स एज एन अडेप्टर एंड इट ऑल्सो वर्क एज अ कैटलिस्ट, यानी कि ये काफी रिएक्टिव है। डीएनए एक्ट एज आवर जेनेटिक मटीरियल, इट एक्ट एज आवर स्टोरेज मीडियम। द होल इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन आवर बॉडी, एक पर्टिकुलर पेनड्राइव मान सकते हैं आप उसको, फॉर्म में स्टोर है, एंड दैट पेनड्राइव इज नोन एज डीएनए। अगर कोई बोले कि आपकी बॉडी में जितना डेटा है वो एक पेनड्राइव में सेव कर दो, तो हमारा जो डेटा है वो डीएनए है। डीएनए इज आवर पेनड्राइव, हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में है।
और आरएनए कैटलिस्ट भी है, अडेप्टर भी है, मैसेंजर भी है। तो आरएनए जब एक्सप्रेस करेगा तो कैसे करेगा, आरएनए खुद आरएनए है राइट। आरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन, एक स्टेप में सब खत्म, बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेगा, बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेगा, फास्ट। अब डीएनए, पहले रेप्लिकेशन करो, डीएनए बनाओ, डीएनए से फिर एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनाओ, काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए को क्या करना है, आरएनए को खुद है ही, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, काफी जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये फास्ट भी है। अब डीएनए में काफी सारा चक्कर है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सप्रेस दोनों करेंगे, बोथ ऑफ देम विल एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, बट आरएनए विल एक्सप्रेस इन अ फास्टर मैनर क्योंकि इसे एक ही स्टेप करना है। डीएनए विल टेक सम टाइम क्योंकि इसे काफी स्टेप्स करके प्रोटीन तक पहुंचना है। और जो मेन एक्सप्रेशन है दैट इज प्रोटीन्स, क्योंकि आप देखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जब हमें ट्रांसमिट करना पड़ता है तो प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में सब कुछ प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रोटीन राइट। अगर आप एंटीबॉडीज की बात करें तो भी प्रोटीन है, आप ब्लड ग्लोबुलिन की बात करें तो भी प्रोटीन है, आप अलग अलग तरीके की चीजों की बात करेंगे मोस्टली प्रोटीन है। इवन अगर आप सेल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वाटर के बाद जो मोस्ट अबंडेंट चीज है हमारे सेल में, द मोस्ट अबंडेंट थिंग बिसाइड वाटर इज प्रोटीन ऑब्वियसली। तो प्रोटीन एक्सप्रेस कर सकता है राइट। सो डीएनए विल फॉर्म आरएनए और एमआरएनए, दैट एमआरएनए विल फॉर्म प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। सो देयर आर फोर मेजर प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। डीएनए इज जेनेटिक मटीरियल इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आरएनए वायरसेस में ही है। इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है दैट दे मस्ट जनरेट देयर रेप्लिका, ओके, यानी कि ये कॉपी कर सकते हैं अपनी। अब डीएनए भी खुद की कॉपी कर सकता है, आरएनए भी कर सकता है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सेकंड थिंग इज स्टेबिलिटी। अब डीएनए काफी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि 2' पोजिशन पे OH ग्रुप की जगह H ग्रुप है, इसमें थायमीन है, ये डीनेचर होके रीनेचर हो जाता है और हीट किल होने के बाद भी इसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती है। थर्ड थिंग इज म्यूटेशन, दे विल एबल टू म्यूटेट। आरएनए थोड़ा फास्ट म्यूटेट होगा, डीएनए थोड़ा स्लो म्यूटेट होगा। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे मस्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, जो कि सेंट्रल डॉग्मा से अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाएगा। नाउ अगर कोई आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक मटीरियल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कौन देगा, डीएनए। Which of the following material is most appropriate for the transmission of genetic material? We know very well that the transmission of genetic material is quite fast in case of RNA. RNA में transmission के लिए क्या चाहिए? RNA protein बना देगा, transmit कर देगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब DNA है, DNA का काफी ज्यादा लंबा process होता है। अगर prokaryotic organisms की हम बात करें तो ये process काफी छोटा होता है। Even अगर हम बात करें E. coli की, जो कि एक virus नहीं है, उसमें भी 20 मिनट में टोटल सारा काम हो जाता है इन केस ऑफ डीएनए। तो आरएनए की अगर आप बात करें तो उससे भी काफी ज्यादा फास्ट होगा, तो टाइम बहुत ही कम लगता है। सो ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट कौन है अगर कोई पूछे तो, स्टोरेज के लिए बेस्ट कौन है? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए। शाम तक अगर मुझे टाइम लगता है तो आज मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा अबाउट आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बट हम सारी की सारी डायग्राम से उस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे शाम तक। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।